नहीं झुकेगी, नहीं रुकेगी। जी हाँ, आप हमारी आवाज नहीं दबा पाएंगे। नहीं, हम कोई आंदोलन या मोर्चा खोल के नहीं बैठ रहे, लेकिन जनाब आज की सशक्त महिला की आवाज को आप दबा नहीं सकते। अब आप देख लीजिए हमारी अनुपमा को ही, क्या कमाल धमाल है इनका ये नया रूप, जिसमें इन्होंने कह दिया कि भैया हो गया, अब इसके भी ऑन ट्राई मत करना कुछ। अनुपमा बन गई है मदर इंडिया। स्कूल में जो हादसा हुआ, उस हादसे में उसने कितने बच्चों की जान बचाई, तो भाई इस हिसाब से वो हुई ना मदर इंडिया। अब इस मदर इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक ओर है उसकी सच्चाई, तो दूसरी ओर है उसकी बेटी का फ्यूचर। मैंने साइन नहीं किया तो उसे स्कूल से निकाल देंगे, और अगर साइन कर दिया तो हमेशा उसका मजाक बनता रहेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ इन दोनों में से एक भी चीज हो। अनुपमा ने हादसे में जिन जिन बच्चों को बचाया, उनके माता पिता आए हैं अनुपमा को धन्यवाद देने। लेकिन वो सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं, इसके अलावा अनुपमा के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब अनुपमा खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगी, क्योंकि स्कूल वालों ने पेरेंट्स को धमकी जो दी है कि अगर अनुपमा के बचाव में कोई भी सामने आया तो भाई ठीक नहीं होगा। माफ कीजिएगा अनुपमा जी, हम आपके जितने महान नहीं। आई एम सो सॉरी, प्लीज अंडरस्टैंड। अब एक कहानी में ऐसे उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे होगा वही जिससे कि शो की लीड को सब वाहवाही करे। अनुपमा के साथ भी ऐसा ही होगा। स्कूल की मीटिंग में वो बेगुनाह साबित हो जाएगी और घर पर सबको इसकी खुशखबरी भी मिल जाएगी, यानी कि एक बार फिर से वनराज छोटा पड़ जाएगा अनुपमा के सामने, क्योंकि उसने भी तो अनुपमा को धमकी दी थी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।